दिवा मुमरा के रहवासी हैं, रामदास मामा मात्रे, जिनकी उम्र है 52 साल। वो 7 जुलाई को शाम को 6:30 बजे मयूर वाइन शॉप के सामने से अपने घर जा रहे थे, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पे आके दो लोगों ने उनके गले में से चेन खींचा और फरार हो गए। उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई उमरा पुलिस स्टेशन में। उसके केस रजिस्टर होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन चालू था। CCTV, टेक्निकल एविडेंस और गुप्त खबरियों से मिली जानकारी के हिसाब से मुमरा पुलिस ने कलीम हारून शेख, जिसकी उम्र 20 साल, रहता है शांतिनगर कड़वा, उसको हिरासत में ले लिया। तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने उसका ये गुनाह उसका साथीदार स्वप्निल हरीश माधवानी इसके साथ किया था। उसके इंक्वायरी में उसके ऊपर और भी चेन चोरी और बाकी की चोरी के गुनाह दाखिल है। उसको अरेस्ट करके जो चेन चोरी हुई थी, वो जिसने ज्वेलर्स को बेची थी, वो ज्वेलर्स से वो चेन रिकवर की गई है। तो आपके माध्यम से लोगों को क्या आह्वान रहेगा, किस तरीके से अगर सोना या चांदी पहनते हो तो उसको किस तरीके से खुद रखवाली की जाए? ज़रूरत है उतने ज्वेलरी पहनो, बाकी ज़रूरत से ज़्यादा ज्वेलरी पहनो मत, और जो पहनते हो तो थोड़ा ध्यान करके, ख्याल रख के अपना लोगों ने चलना चाहिए। कोई किसी डाउटफुल व्यक्ति अगर कोई लगता है तो तुरंत पुलिस को खबर करना चाहिए। हमारा 100 नंबर, 112 नंबर है, और कई हमारे पेट्रोलिंग मोबाइल्स है, बीट मार्शल्स है। जो भी आपको पुलिस लगता है नज़दीक में दिखता है, वहीं पे आप जाके ऐसे संदेहजनक लोगों की इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि आगे होने वाली घटना हम लोग टाल सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।